टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए अब राहत की खबर ये है कि अब आपके डॉक्टर्स ने भी ये मानना शुरू कर दिया है कि डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। आपकी डायबिटीज चाहे रिसेंटली डायग्नोज हुई हो या उसे कई साल हो चुके हों, जैसे 10, 20 या 30 साल, परंतु आज की तारीख में हम कुछ साधारण खून की जांचें करके ये मालूम कर सकते हैं कि शरीर में नेचुरली कितना इंसुलिन बन रहा है, जिससे उसके रिवर्सल की संभावनाओं को और ज्यादा पुख्ता किया जा सके। और इन्हीं जांचों के द्वारा आपके डायबिटीज रिवर्सल के कोर्स को, इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मॉनिटर किया जा सकता है कि आपका जो डाइटरी प्रोटोकॉल है वो आपको सही रास्ते पर लेकर के जा रहा है या उसमें और सुधार की आवश्यकता है। अब यदि आपकी डायबिटीज रिवर्सल रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, आप सबमिट करके मेरी टीम की या मेरी मदद भी ले सकते हैं। और यहां पर मैं एक आर्टिकल आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। ये सामने स्क्रीन पर एक पबमेड का आर्टिकल है जिसमें इनका कहना है कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में एक पैराडाइम शिफ्ट देखा गया है और इसको डाइटरी और अन्य प्रोटोकॉल के माध्यम से रिवर्स किया जा सकता है। और यहां इन्होंने लगभग 99 आर्टिकल्स और ह्यूमन ट्रायल्स का डेटा शेयर किया है, जिससे इन्होंने अपने क्लेम को और स्ट्रॉन्ग किया है और तीन तरीके डायबिटीज रिवर्सल के लिए इन्होंने सजेस्ट किए हैं, जिसमें सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग तरीका इन्होंने बताया है बैरियाटिक सर्जरी का। परंतु बैरियाटिक सर्जरी करना हर मरीज में संभव नहीं। हमारे देश में लगभग 8 करोड़ मरीज डायबिटीज के हैं, इससे डबल प्री डायबिटिक हैं, तो इतने लार्ज स्केल पर यह संभव नहीं है। परंतु जिन मरीजों का वजन बहुत ज्यादा है, जैसे 125 किलो, 150 किलो, 200 किलो, हैवी डोजेज इंसुलिन पर चल रहे हैं, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 500 यूनिट, उन मरीजों के अंदर अगर बैरियाटिक सर्जरी की जाती है तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट इंटेक घट जाता है डाइट में, तो इंसुलिन की डिमांड को ही हम घटा देते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि इनके पैनक्रिया से इंसुलिन बनने की रफ्तार भी डे बाई डे इंप्रूव होने लगती है और इनको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके बाद इन्होंने दूसरा तरीका बताया है लो कैलोरी डाइट का। लो कैलोरी डाइट में इनकी रिकमेंडेशन है कि अगर मरीज 600 कैलोरी का फूड पर डे लेता है तो डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। पर 600 कैलोरी के फूड का मतलब होता है मरीज ज्यादा से ज्यादा एक मील ले, तो वो सफिशिएंट क्वांटिटी में भोजन ले सकता है। अब जिस मरीज का वजन पहले से कम है, अगर वो 600 कैलोरी का फूड लेता है तो उसका वजन और कम होता चला जाएगा, ऐसी स्थिति में उसके लिए ये कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। पर जिन मरीजों का वजन ज्यादा है, जो अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उन मरीजों में डेफिनेटली ये करा जाना संभव है। तीसरा तरीका इनका है जिसमें ये गाइड करते हैं कि अगर मरीज लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेता है तो डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। इसमें इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन ट्रायल, लगभग 32 ट्रायल के डेटा को शेयर किया और ये बताया अलग अलग अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का लेने पर किस तरह से डायबिटीज रिवर्स होती है या कितने परसेंट लोगों को बेनिफिट होता है। परंतु अगर मरीज कीटो डाइट लेता है तो उससे सबसे इफेक्टिवली डायबिटीज को रिवर्स करने में मदद मिलती है। पर इस तरीके में फैट का अमाउंट लगभग आपकी डाइट का 70% होता है। पर जिन मरीजों को पहले से ही पेरिफेरल वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे खून की नलियां पतली हो रही हैं, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या है या कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, हाथ पैर में नसें पतली हो रही हैं, उन मरीजों में अगर इतनी हाई फैटी डाइट दी जाएगी तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन बिल्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए इन्होंने तो कुछ साल में इस चीज को ऑब्जर्व किया, पर मैं कई साल से मरीजों को LDCF डाइट गाइड करता आ रहा हूं, जिसमें एक नॉर्मल इंसान लगभग 250 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेता है। यदि उस कार्बोहाइड्रेट को घटा करके हम 100 ग्राम के अंदर पर डे ले आए तो उसकी डायबिटीज को इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है और रिवर्स किया जा सकता है। 3 से 7 दिन में ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगती है, 15 दिन में
एलोपैथ की दवाइयां छूटने लगती हैं। मरीज अगर इंसुलिन पे है तो 15 दिन से 3 महीने का पीरियड लगता है, और यदि ग्लूकोफ्री जैसे सप्लीमेंट का या कई बार लोग अदर हर्ब्स का जहां पर सपोर्ट लेते हैं उसके माध्यम से इसको 6 महीने से 1 साल के अंदर रिवर्स किया जा सकता है। पर सबसे जरूरी बात यही है कि वो ब्लड टेस्ट जिनके द्वारा हम ये डिसाइड कर सकें कि मरीज की आज की तारीख में आज के दिन कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है डायबिटीज को रिवर्स करने की, वो जांच की जाने सबसे जरूरी है। और उससे ये भी मालूम पड़ता है कि बॉडी में कितना नेचुरल इंसुलिन बन रहा है तो कितनी जल्दी उसकी डायबिटीज रिवर्स होगी, और इन्हीं टेस्ट के माध्यम से इस बात की ट्रैकिंग की जाती है कि उनका जो डाइटरी प्रोटोकॉल है वो कितना फायदा कर रहा है और वो कितने सही डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। तो यदि आपकी डायबिटीज रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं आप नीचे डेफिनेटली सबमिट करें, या यदि आप भी आपकी डायबिटीज को टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो मेरी टीम या मेरी मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।